अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये ट्रेन जो आप देख रहे हैं ये एक ऑरेलन ट्रेन है, ये रिसेंटली इनॉग्रेट हुई है लाहौर में। तो मैं वैसे तो बसेस को रिव्यू करता हूँ लेकिन ये मेरी फील्ड से रिलेटेड है तो आज मैं इसको रिव्यू करने आया हूँ। आप व्यू देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू जनरेट हो रहा है, तो अभी प्रॉपर रिव्यू आपको देता हूँ इसका। दिस इज़ मी फिजान, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं ऑरेलन ट्रेन को रिव्यू करने आया हूँ। मैं फैसलाबाद से स्पेशल लाहौर के लिए आया हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ऑरेलन ट्रेन रिसेंटली एक मंथ पहले लॉन्च हुई थी लाहौर में। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये ट्रेन कैसी है, इसकी टिकट कैसे बुक करते हैं, तो कम्प्लीट व्यू आपको दूंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। ऑरेलन मेट्रो ट्रेन के स्टेशन में सबसे पहले आपको एस्केलेटर्स देखने को मिलते हैं, जो कि शुक्र है वर्क कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ऐसी चीज़ों को बहुत जल्द ख़राब कर देते हैं। ऑरेलन ट्रेन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, तो ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, उसके अंडर ये वर्क कर रहा है और इसको मतलब काफ़ी साल हो गए हैं। और ट्रेन की बात करें तो ये भी चाइना की तरफ से ही इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसके अंदर आपको ट्रेन जो देखने को मिलती हैं वो 27 ट्रेन्स हैं, जिसमें हर ट्रेन में 5 कार्स हैं, मतलब 5 बोगी हैं। तो इसमें एट अ टाइम 200% ट्रैवल कर सकते हैं। तो ट्रेन्स भी काफ़ी अच्छी हैं, लाइक मेट्रो बस जो है उसकी तरह की इसकी सीटिंग है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन इस पे मतलब आपको काफ़ी अच्छा सिस्टम देखने को मिल जाता है, बजट फ्रेंडली है। ऑरेलन मेट्रो ट्रेन के स्टेशन के बारे में आपको बताता चलूँ, तो ये आप देख सकते हैं सामने जो लिखा हुआ है CPEC का तोहफा। ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है CPEC के अंडर। तो ये स्टेशन जो हैं ये काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। ये सामने मशीन आप देख सकते हैं, इनका सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ से टिकट जो कॉइन आप लेते हैं वो उसका बुक करने का सिस्टम काफ़ी मज़े का है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी ये अट्रैक्टिव स्टेशन बनाए गए हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से आप पास होते हैं दिन आगे जाते हैं, तो ये टिकट ऑफिस है, वहाँ से परमिशन लिए, उनसे परमिशन लिए, परमिशन लिए वो जो सर करें। कहाँ से हैं आप, किस डिपार्टमेंट से? मैं फैसलाबाद से स्पेशल आया हूँ वीडियो बनाने, मेरा यूट्यूब पे काम है इसका। तो इसका यूट्यूब पे काम है, आपने अपने चैनल के लिए लाइक के लिए हमारी भी जाइए। आप नहीं, आपकी शक्ल तो नहीं आ रही ना? नहीं आएगी, वो अकेला बात है, आप बना रहे हैं। शक्ल आनी है, आप ले हैं, वो मैं सुनी है, हमारी भी ले गए, हमारी भी साथ भेजे, वो बस मसला नहीं है, पर आला बना लें। बताओ मैं पता क्या है, दरअसल कैमरे वो कहेंगे आपके और छुट्टी में वो कैमरों में तस्वीर आ रही है, तो आप हमारी नहीं आ रही है, वो तो बना रहे हैं ना, हमारी तो शक्ल कैमरों में आएगी, बनाए आप मेरी बना के जाए। पहले मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, पहले किसी को भी नहीं रोका, आज मैं आया हूँ तो सारे मुझे ही रोक रहे हैं। तो अब चलें मशीन के चलते हैं, चलें। एक और चेक पोस्ट आ गया है सर, मैं उनसे परमिशन ली है, मैं यूट्यूब पे चैनल है तो स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, फैसलाबाद से आया हूँ। यहाँ पे इनका स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव, वेल मैनर्ड एंड प्रोफेशनल स्टाफ है। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने मुझे रोका ज़रूर है, लेकिन जब मैंने इनको बताया कि मैं वीडियो बनाने के पर्पज़ से आया हूँ, एजुकेशन पर्पज़ से आया हूँ, तो इन्होंने मुझे अलाउ कर दिया है। तो ये मशीन्स हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन लगी है, यहाँ पर स्टेशन जितने भी हैं उनका यहाँ पर इन्होंने मैंशन किया हुआ है। और यहाँ पर इसको जो टोकन लेने का सिस्टम है, ये कि आप अपने नोट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं जो कि आपको ऑफिस से मिलता है। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना होता है, 40 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। तो यहाँ से आप अपना कार्ड भी रिचार्ज कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप कॉइन्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब जिनके पास नहीं होते पैसे नोट्स की सूरत में, तो वो कॉइन्स भी ले सकते हैं। तो ये इसकी जो स्टेशन हैं, ये आप देख सकते हैं, डेरा गुजरा से शुरू होता है, अली टाउन तक जाके ये ख़त्म होता है। तो नीचे से आपको टोकन आ जाता है, जो आप देख रहे हैं वो आप लेके अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि हैंडीकैप जो मज़दूर होते हैं उनको प्रायोरिटी दें, उनको पहले बैठने दें। इस प्रोजेक्ट में डावो एक्सप्रेस जो कि एक बस कंपनी है, उन्होंने भी वर्क किया है। ये सामने क्लॉक्स लिए हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये टाइम सेविंग सर्विस है, मतलब आप इसके थ्रू अगर ट्रैवल करते हैं तो जो दूसरी ट्रैफिक होती है वो उससे आप बच जाएंगे। और ऑरेलन ट्रेन ये मेट्रो ट्रेन है, तो काफ़ी ये फास्ट वर्क करती है, तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका टाइम सेव होता है। और इसका जो ट्रैक है वो राउंड अबाउट 27 किलोमीटर्स का है टोटल, वो ये मतलब कहते हैं कि 45 मिनट्स में कवर हो जाता है, जो कि मतलब एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम वैसे ट्रैफिक में आप देखें तो 2-3 घंटे लग जाते हैं।
ऊपर प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास। आप स्टेयर्स के थ्रू भी जा सकते हैं, एस्केलेटर्स के थ्रू भी जा सकते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा इनका स्टेशन है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, सामने आप देख सकते हैं कि ये कौन सा टर्मिनल है। यहाँ पे लिफ्ट्स भी मौजूद हैं, तो इतना प्यारा टर्मिनल पाकिस्तान में नहीं मैंने देखा, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है, इनके जो स्टेशन कह सकते हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किए गए हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इनका स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव देखने को मिलता है, सफाई का निज़ाम काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे मतलब आपको हर तरह की सहूलत देखने को मिलती है। इनके टॉयलेट्स काफ़ी क्लीन है और वहाँ पर न्यू चीज़ों को यूज़ किया गया है, तो ओवरऑल ये एक मॉडर्न एंड अप टू डेट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो यहाँ पर आप इसका बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। ये व्यू आप देख सकते हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी एयरपोर्ट पे आए हैं। ये ऐसा व्यू जो होता है वो यूजली एयरपोर्ट्स पे देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपको लाहौर शहर का व्यू भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल इनके टर्मिनल्स बहुत ब्यूटीफुली बनाए गए हैं। स्टेयर से जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की डिटेल्स हैं, यहाँ पर स्क्रीन्स लगाई गई हैं, साथ क्लॉक्स लगाए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये एस्केलेटर्स यहाँ से ऊपर आती हैं एंड यहाँ पर स्टेयर्स भी मौजूद हैं, इधर से भी आप नीचे जा सकते हैं। तो ये है हमारी ऑरेलन ट्रेन, जो कि फर्स्ट टाइम जब आप इसको देखते हैं तो देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, इसका कलर बहुत अट्रैक्टिव है। तो अभी ये ट्रेन जा रही है, इस पर मैं नहीं बैठ सका, जो इसके बाद ट्रेन आएंगी उस पर बैठेंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह रेलवे स्टेशन होते हैं उसी तरह बनाएंगे, लेकिन ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये ट्रेन की एक खास बात आपको बताता चलूँ कि ये दोनों साइड से चल सकती है, जो एक साइड पर जाती है एंड होता है तो इसका जो मुँह है वो दोनों साइड से सेम है, ये दूसरी साइड से वापस आ जाती है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि माइंड द गैप, यहाँ पे गैप रखें, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो फौरन भाग जाती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़रूर रखें। तो ये टोकन है, जो कॉइन है जो हमें मिलता है, ये इसके थ्रू हम टर्मिनल के अंदर आते हैं, तो एक टोकन से आप जहाँ मर्ज़ी सफ़र कर लें। ये व्यू है स्टेशन के ऊपर से, ये लाहौर की सारी आबादी है। इस टाइम मैं डावो एक्सप्रेस के टर्मिनल के पास मौजूद हूँ, जो कि आई थिंक सो अली टाउन के नेम से है। तो अभी ट्रेन आने वाली है, उसकी ट्रेन का अंदर का व्यू भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी ट्रेन यहाँ से आएगी, आज इतना रश नहीं है, ये आ गई है ट्रेन। तो ट्रेन वैसे मुझे देखने में ब्यूटीफुल बहुत लगी है, ये मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, मैं जब ट्रेन में ट्रैवल करूँगा। इससे पहले मैंने पाकिस्तान रेलवे में भी कभी ट्रैवल नहीं किया, तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि टर्मिनल्स के बारे में, ट्रेन्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो चलें आए, अब चलते हैं। ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है जब वो अलाउ करते हैं, तो देन आप डायरेक्ट ट्रेन में जा सकते हैं। तो ये लोग जा रहे हैं ट्रेन में, चले आए, हम भी चलते हैं ट्रेन में। तो ये सामने आप देख सकते हैं, सीधा ही दरवाज़ा खुलता है। तो ट्रेन काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे आपको 5 कार्स देखने को मिलती हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं, एक जो बोगी है, एक जो कार है, उससे दूसरी कार में आप आराम से इजीली जा सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 200 से 250 पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये लाहौर है तो यहाँ पे तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ 400-500 बंदा ट्रैवल करेगा यहाँ पे। अच्छी बात ये है, मैंने मेट्रो और इसमें ये जो मेट्रो बस है उसमें डिफरेंस ये देखा है कि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी तरह इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये देख सकते हैं ये जो रेड बार है, इसका मतलब होता है ये स्टेशन हमने क्रॉस कर लिए हैं, और ग्रीन वो हैं जो कि आने वाले हैं। तो मतलब आपको स्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली दी गई है, तो आप कोई टर्मिनल मिस नहीं कर सकते। मेट्रो में काफ़ी बार ऐसे हुआ है कि मिस कर चुका हूँ, और यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह अनाउंसमेंट भी करते हैं। CRRC जुजू लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड है जिसने इन ट्रेन्स को डिज़ाइन किया है एंड इंट्रोड्यूस किया है, तो ये चाइना में बनी है। ये देख सकते हैं काफ़ी लंबी है ट्रेन, तो आराम से इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये अभी दरवाज़ा बंद होगा, ये दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है जब बंद होता है। तो ये है हमारी पाकिस्तानी कौम, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसमें ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, तो इस तरह की हरकतें भी होती हैं। ये तो बच्चे बड़े सब लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा इनिशिएटिव है, यहाँ पे आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये लाहौर का एक व्यू देख सकते हैं लाहौर की आबादी का।
अच्छा सीट्स करीब आपको देता चलूँ तो ये सीट्स जो होती हैं नॉर्मली होती हैं, इतनी कंफर्टेबल नहीं होती लाइक ट्रेन्स में आपको ऐसी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे सीट्स की तादाद ज़्यादा है, यहाँ पे मतलब आपको इजीली मिल जाती है। मेट्रो में तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है। ये दरवाज़ा बंद हो रहा है, देखें आप कितना ब्यूटीफुल लगता है। ये देख सकते हैं इनके स्टेशन पे हर जगह इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब आप यहाँ पे आगे घूमेंगे नहीं, मतलब बाहर जाने का रास्ता भी दिया गया है। सुबह मैं बाहर जा रहा हूँ बंद रोड वाले स्टेशन पे, मैं अभी आया हूँ तो यहाँ से अभी मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो फिर मैं इस्लामाबाद बस पर जाऊँगा, उसका व्लॉग भी मैंने अपलोड किया है। तो ये बंद रोड का स्टेशन है, स्टेशन पर आप देख सकते हैं काफ़ी ऊँचे और बड़े स्टेशन हैं, और यहाँ से जब ऑरेंज लाइन ट्रेन गुजरती है तो बहुत ही प्यारा व्यू जनरेट होता है। ये देख सकते हैं ऊपर ये ब्रिज है जहाँ से ये गुजरती है। तो पाक चीन दोस्ती ये चाइना की मदद से पाकिस्तान में हुआ है, कॉस्ट तो पाकिस्तान की है लेकिन चाइना ने मदद बहुत की है।